चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है कैशबुक एंड इट्स टाइप्स। देखो, इसमें हम लोगों ने सिंपल कैशबुक बनाना सीखी थी और उसके साथ साथ टू कॉलम वाली कैशबुक भी हम लोग देख रहे थे कि जिसमें कैश और बैंक कॉलम वो हमने देखी थी ना। आज वही टू कॉलम की एक और हमें कैशबुक तैयार करनी है, जो आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। आपकी टेक्स्टबुक साथ में रखा, उसमें फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ अखिलेश। कि अखिलेश की बुक में हमें बैंक और डिस्काउंट कौन सी कॉलम तैयार करनी है? बैंक और डिस्काउंट, कैश नहीं, कैश वाले कॉलम नहीं तैयार करनी, बैंक और डिस्काउंट की। तो मतलब फॉर्मेट हम लोग ऐसे बनाएंगे ना कि ऊपर नाम लिख दें कैश बुक ऑफ श्री अखिलेश, यहाँ डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, कि यहाँ जो दो पार्ट हो जाते हैं हमारे, उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे कि ये डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर में रिसिप्ट, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर RN मतलब रिसिप्ट नंबर, यहाँ LF, और दो कॉलम बनाएंगे बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट ये दो कॉलम। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो वो चेक के थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा ये ट्रांजेक्शन। और उसमें अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, तो उसके साथ फिर डिस्काउंट में भी लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड पे ये डेट, पर्टिकुलर, ये वाउचर नंबर, ये LF, यहाँ पे भी बैंक और डिस्काउंट, ऐसे लिखा जाएगा ना ये, बरोबर। तो देखो, अब एक एक करके इनकी एंट्री करते जाए, कि आपकी टेक्स्टबुक में जैसे दिया हुआ है ना, ध्यान देना हर एक एंट्री में, कि सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ₹13,500। 13,500 का क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट कहाँ पे लिखते हैं? कल भी एक सम था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि देखो, बैंक में अगर बैंक बैलेंस दिया हुआ हो ना, ओपनिंग बैंक बैलेंस, तो उसे डेबिट में लिखते हैं, ये बैंक बैलेंस। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ना ओपनिंग में, तो उसे लिखते हैं क्रेडिट में, कि हमने बैंक से ये उधार लेके रखा है, ओवरड्राफ्ट लेके रखा है हमने, तो उसे कहाँ पे लिखेंगे? कि यहाँ बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब स्टार्टिंग में ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उसे यहाँ लिखा जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री कि यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखे हम लोग जुलाई 1, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे का बैलेंस लेके आ रहे हैं, यहाँ क्रेडिट में है 13,500, क्रेडिट में लिखा है, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाया, बरोबर। ये पहली एंट्री हुई। फिर सेकंड डेट की एंट्री, उसमें लिखा हुआ है गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू प्रेमल अगेंस्ट विच ही इश्यूड अ चेक ऑफ 4,950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन द बैंक। कि हमने प्रेमल को जो है वो सामान बेचा 5,000 का, लेकिन उसने चेक दिया 4,950 रुपये का, तो ये जो 50 रुपये कम हुए वो क्या हुआ? तो वो डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना, ये डिस्काउंट हुआ ना बाकी के 50 रुपये का, और उसने जो चेक दिया तो वो हमने बैंक में भर दिया। तो सबसे पहले हर एक सम की तरह यही चेक करते हैं ना कि यहाँ पे पैसे आए के गए, पैसे आ रहे हैं ना, हमने सामान बेचा तो पैसे आ रहे हैं, तो मतलब डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, यहाँ तो बैंक है तो बैंक में ही लिखा जाएगा ना डेबिट साइड पे, और डिस्काउंट बाकी का डिस्काउंट में लिखेंगे। तो देखो, ये सेकेंड एंट्री यहाँ पे ऐसे करें कि डे 2 में सेल्स अकाउंट बैंक में लिखेंगे 4,950 रुपीज़, और डिस्काउंट में लिखेंगे 50 रुपीज़, कि चेक हमें मिला इतने का 4,950 रुपीज़ का, और बाकी के 50 रुपीज़ वो क्या कहलाया? डिस्काउंट कहलाया, बरोबर। ऐसे हुई ना एंट्री। फिर डेट 8, उसके बाद वाली एंट्री, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज एंड चेक इज इश्यू फॉर द नेसेसरी अमाउंट। कि हमने 8,000 रुपये का, 6,000 का, 6,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है और उसके बदले में हमने चेक दिया, तो यहाँ पैसे आए के गए, पैसे गए ना हमारे, परचेज किया है, पैसे गए, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट करके लिखते हैं ना क्रेडिट में। तो यहाँ क्रेडिट में लिखे कि डेट 8, 8th डेट, यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, और अमाउंट में बैंक में लिखेंगे 6,000 रुपीज़, डिस्काउंट में तो कुछ भी नहीं है ना, 6,000 का ही हमने चेक दे दिया, बरोबर। फिर 10th डेट वाली एंट्री कि
कि चेक ऑफ रुपीज 5,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम गीता बेन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 5,060। कि हमें ये चेक रिसीव्ड मतलब हमें मिला है कि हमें गीता बेन से लेने थे 5,060 रुपये, 5,060 रुपीज, लेकिन उसके बदले में उन्होंने 5,000 का ही चेक देकर सेटलमेंट कर दिया, तो बाकी का जो 60 रुपीज वो क्या कहलाया? तो वो कहलाया डिस्काउंट। ठीक है ना, हमने डिस्काउंट दिया ना उनको, बाकी है। तो ये चेक रिसीव्ड, हमें ये पैसे मिले हैं, तो उसे कहाँ पे लिखेंगे? ये भी डेबिट में लिखा जाएगा ना, गीता बेन ये नाम से लिखेंगे, क्योंकि हमने सेल नहीं किया है, कोई पहले के बाकी होंगे, वो पैसे मिले हैं हमें, तो उसमें फिर नाम ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर डेबिट में हम लोग एंट्री करेंगे डेट 10th डेट, यहाँ पे नाम लिखेंगे गीता बेन अकाउंट, बैंक में लिखेंगे 5,000 रुपीज़ के 5,000 का हमें चेक मिला, और डिस्काउंट में लिखेंगे ये 60 रुपीज़ के 60 रुपीज़ हमने गीता बेन को डिस्काउंट दिया है, बराबर। फिर 15th डेट वाली एंट्री, सिंपल एंट्रीज ही है ना, बस पैसे आए तो डेबिट में लिखो, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट में लिखते जाओ। देखो फिर 15 वाली एंट्री, कि चेक ऑफ 7,000 इश्यूड टू आराधना इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेब्ट ऑफ 7,015। कि चेक इश्यूड, इश्यू मतलब कि भाई हमने दिया चेक, कि हमने आराधना को चेक दिया है, कितना? तो 7,000 का, हमें उसे पैसे देने थे 7,015 रुपीज़, लेकिन हमने 7,000 देकर सेटलमेंट कर दिया, तो बाकी के 15 रुपीज़, तो वो बाकी के 15 रुपीज़ वो हमारा डिस्काउंट, बरोबर ना। और ये हमने चेक दिया मतलब हमारे पैसे गए, तो उसे कहाँ पे लिखते हैं? तो उसे यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बरोबर ना। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे डेट 15, नाम में लिखेंगे आराधना अकाउंट, अमाउंट में बैंक में लिखेंगे 7,000 रुपीज़, 7,000 का हमने चेक दिया, और डिस्काउंट में ये 15 रुपीज़, 15 रुपये का डिस्काउंट हुआ हमारा, ठीक है। फिर 20th डेट वाली एंट्री, उसके बाद वाली एंट्री जिसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 16,000 सोल्ड टू काजोल फॉर विच शी इश्यू अ चेक ऑफ अ नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये भी सिंपल है कि हमने 16,000 का सामान जो है वो काजोल को हमने सेल किया, और उसने उसके बदले में हमें चेक दे दिया जो हमने बैंक में डाल दिया है, तो इसका मतलब कि हमने ये सेल जो किया है तो पैसे आए के गए, पैसे आए ना इसमें भी, तो उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे ये एंट्री करेंगे ना, ठीक है ना। नाम नहीं लिखेंगे काजोल अकाउंट, इसमें सेल अकाउंट ही लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश में सेल कर दिया है, ये चेक मिल गया ना ऑन द स्पॉट, और कोई डिस्काउंट नहीं है उसमें। तो यहाँ डेबिट साइड पे सिर्फ एंट्री हो जाएगी कि डेट 20, ये 20th डेट की एंट्री, नाम में लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और अमाउंट में बैंक में लिखेंगे 16,000 रुपीज़, बराबर ना। 16,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट में लिखी जाएगी, ठीक है। अब 25 वाली एंट्री, कि कैश ऑफ 2,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि 2,000 रुपये हमने बैंक में डाले हैं। अब जनरली आपको पता है आगे वाले सम्स हमने किए थे, तो उसमें ये देखा था कि जब कैश और बैंक अकाउंट दोनों साथ में बनाते हैं ना, इसमें तो कैश अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, लेकिन कैश और बैंक अकाउंट साथ में बनाते हैं तो ये वाली एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बरबर ना। एक तरफ से कैश गया, दूसरी तरफ से बैंक में बैलेंस बढ़ गया, ऐसे होती है ना कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन यहाँ तो कैश अकाउंट बनाते ही नहीं है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में एक ही एंट्री होगी कि हमने बैंक में पैसे अगर डिपॉजिट किए हैं तो फिर क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा के कम हुआ, वो सोचो ना आप, कि हमने अगर डिपॉजिट किए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा ना बैंक बैलेंस, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसे कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, बरोबर। डेबिट में लिखा जाएगा कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ डेबिट साइड पे एंट्री होगी कि डेट 25th डेट, नाम में लिखेंगे कैश अकाउंट, सिर्फ कैश अकाउंट ही लिखेंगे ना कि हमने कैश भरा है, उसमें काम है बैंक में भरा, तो बैंक में ये 2,000 रुपीज़ रखेंगे कि 2,000 रुपीज़ बैंक बैलेंस बढ़ गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद वाली एंट्री 29 वाली एंट्री दी गई है कि चेक इश्यूड बाय काजोल इज डिसऑनर्ड, कि जो काजोल को हमने, काजोल से हमें जो चेक मिला था ना वो डिसऑनर्ड हो गया, कैसे? वो कहते हैं ना चेक बाउंस हो गया, कि शायद उनके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो वो हमें पैसे मिले ही नहीं,
हम लोग जब बैंक में किसी ने हमें चेक दिया और हम लोग जब बैंक में डालते हैं तो बैंक 2-3 दिन में उसे जो है वो क्या कहते हैं क्लियर करती है ना, तब हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। तो यहाँ काजोल को हमने जब सामान सेल किया था तो उसने ये 16,000 का चेक दिया था हमें, लेकिन ये 16,000 का चेक वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक बाउंस हो गया, हमें पैसे मिले ही नहीं, हमारे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, तो जब ऐसा डिसऑनर्ड हो जाए ना तो उसकी एंट्री अपोजिट साइड पे कर देते हैं, मतलब यहाँ डेबिट में लिखा ना हमें पैसे मिले, तो अब क्रेडिट में लिख देंगे कि हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है। मतलब उसकी एंट्री कहाँ पे, यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे अब 16,000। और अब नाम में क्या लिखेंगे, नाम में यहाँ तो सेल अकाउंट लिखा था लेकिन अब यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे काजोल अकाउंट, कि भाई अब उससे हमें बाकी के 16,000 रुपए लेने हैं, जो चेक दिया वो तो बाउंस हो गया तो बाकी के 16,000 तो उससे ही लेने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे लास्ट एंट्री कि डेट 29 काजोल अकाउंट और यहाँ बैंक में 16,000 रुपीज़, बराबर ऐसे लिखी जाएगी ना ये। और अब क्या करें, तो अब इनकी क्लोजिंग करें, अब क्लोज करें ना इनकी है। तो अब ये क्लोज करें ना तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में, कि बैंक अकाउंट में चेक करते हैं कि किसका अकाउंट मतलब किस साइड का टोटल ज़्यादा है, ये डेबिट में कि क्रेडिट में, किस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा बन रहा है, भाई जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो पहले वही क्लियर करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें ना तो इसमें यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, हमने ओवरड्राफ्ट लेके रखा था इससे, ये ओवरड्राफ्ट लेके रखा था तो मतलब यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 42,500। और वही टोटल फिर यहाँ पे भी लिखेंगे ना 42,500, है ना, इतने सारे सम हो गए। अब तो याद है ना क्लोजिंग ऐसे ही करते हैं कि अब यहाँ पे भी इतना टोटल लिख देंगे 42,500। तो इस साइड डेबिट पे भी लिख दिया यही 42,500, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप किया करो। और ये 42,500 में से ये वाले अमाउंट माइनस करेंगे कि इतने अमाउंट माइनस कर दे तो पता चलेगा कि अब कितना बैलेंस बचा है हमारे पास, तो वो अमाउंट माइनस करके लिखे ना, तो यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखा जाएगा ये 14,550 रुपीज़, कि अब इतना ये इतना ओवरड्राफ्ट कहलाया। भले लिखते हैं यहाँ पे वही है कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा तो यही जाता है लेकिन ये एक्चुअली ओवरड्राफ्ट कहलाया, डेबिट साइड पे बचा है ना, बरबर ना, यहाँ पे बचा है तो ये ओवरड्राफ्ट हुआ। कि यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था इसमें, क्रेडिट मतलब समझो कि हमारे पैसे गए, तो पैसे गए ज़्यादा हैं पैसे आए कम हैं, यहाँ डेबिट मतलब पैसे आना ना, तो आए कम हैं गए ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब बैंक से हमने उधार लेके रखी है, गए ज़्यादा तो कहाँ से देंगे, हमें उधारी लेनी पड़ेगी ना बैंक से। तो इसका मतलब ये 14,500 550 ये बैंक की उधारी है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है ये, बरबर। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होता ना डेबिट का तो हम लोग कहते कि ये बैंक का बैलेंस है, क्या भाई मेरे बैंक में इतने रुपए पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे पड़े नहीं है, उल्टा हमने बैंक से उधार लेके रखा है ये 14,000 का, बरबर, ये समझ आया ना। और डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में ऐसा कुछ नहीं ढूंढते किस साइड का ज़्यादा या कम है, बस डिस्काउंट में तो इन दोनों का ये टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं कि कितना टोटल आया, दोनों का ये टोटल लिख देंगे कि भाई इस साइड का टोटल आ गया ये 110 रुपीज़ और इस साइड का टोटल आ गया 15 रुपीज़, उसमें कोई नहीं देखना है, सिर्फ बैंक में ये जो बैलेंस आया ना वो बैलेंस फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अगले महीने के लिए लेके जाएंगे, लेके जाते हैं ना अगले महीने, कि यहाँ पे जो जुलाई में है तो उसे आगे लेके जाएंगे कहाँ पे, अगस्त में, अगस्त 1st में लेके जाएं उसे। और कहाँ लेके जाएंगे, कि यहाँ पे डेबिट साइड पे है ना, डेबिट साइड पे 14,550 है तो उसे लेके जाएंगे नेक्स्ट मंथ की क्रेडिट साइड पे, बरोबर ना, हमेशा क्रॉस साइड पे लेके जाते हैं। हर एक सम में क्या था आगे वाले सम में, कि यहाँ क्रेडिट साइड पे आपका टोटल बचता था तो उसे आप यहाँ डेबिट साइड पे लेके जाते थे, लेकिन यहाँ आपका टोटल बच रहा है कहाँ पे, डेबिट साइड पे, तो उसे लेके जाएंगे आगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, बरोबर। तो कैश बुक की यहाँ क्रेडिट में लेके आएंगे उसे और यहाँ पे लिख देंगे 2015 अगस्त 1 फर्स्ट अगस्त, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना लिखेंगे 14,550, बरोबर।
आगे के सब सम याद रखो कि उसमें क्या करते थे कि यहाँ बैलेंस बचता था और उसे आगे लेके आते थे यहाँ डेबिट में, यहाँ पे लिखते थे ना, क्योंकि वो कैश या बैंक बैलेंस होता था। अब यहाँ पे बचा है और उसे इस साइड लेके आ रहे हो क्रॉस में क्रेडिट में, तो इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है कि इतना हमने उधार लेके रखा है। ये अगले महीने की 1 तारीख को ही पता चलेगा ना कि अगर क्रेडिट साइड पे है तो इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ हमारा। समझ आई बात? इस सम में ये छोटा सा ही सम था, लेकिन इसमें ये एक पॉइंट नया है, तो ये ध्यान रखना, आगे के सम में भी ये आएगा फिर। ओके, तो आज जैसे ये क्वेश्चन देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।